नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है। टेस्ट नंबर 1 आया था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पूरा टेस्ट, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। ये टेस्ट नंबर 2 है, इसमें 100 क्वेश्चन है, 400 करंट अफेयर हम देने जा रहे हैं। इसमें पहला सेट ये वाला है, 100 क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के हैं, पिछले 2-3 महीनों के ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं पहले आपको ये दिखाऊंगा पूरा ऑप्शन कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या हो सकता है। आप जो है इसमें 5-2-4 सेकंड देके इसमें अटेम्प्ट करिएगा, स्कोर जरूर बताइएगा कितना स्कोर आ रहा है आपका 100 में से। ये जो करंट अफेयर है ये पूरा यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बीओ के लिए भी जरूरी है, आरओ के लिए जरूरी है, कई सारे इसमें करंट अफेयर कॉम्प्रिहेंसिव है। कुछ ऐसे टर्म है जो कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के पूछने लगे हैं, जैसे यूपी पीसीएस। कुछ ऐसे भी हैं जो फैक्ट्स हैं जो कि बीओ और आरओ में बहुत जरूरी है, तो मतलब आरओ के लिए भी जरूरी है ये, और ये स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला ये आपके पास क्वेश्चन ये है, ये जो टर्म है पॉक फॉ, ये किन दो देशों के बीच के रिलेशन को यहां पे आइडेंटिफाई करता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर मैं बताने जा रहा हूं अभी, आप अटेम्प्ट करिएगा, 100 में से कितना है वो बताइए। देखिए ये इंडिया का नहीं है कोई, ये म्यांमार और चाइना के बीच के रिलेशन, तो चाइना और किस कंट्री के बीच की बात कर रहा है, तो चाइना और म्यांमार के बीच के रिलेशन की बात करता है। न्यूज में आया था 1948 से ये है, ये अभी इसके करीबन जो है करीबन 70 साल पूरे हुए, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसमें बताना है आपको कि ये जो दो यहां पे लिखे हुए हैं स्टेटमेंट, गंगा वोल्गा डायलॉग के बारे में स्टेटमेंट है ये, इसमें आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें बहुत जो है सही है। गंगा वोल्गा डायलॉग क्या इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था नई दिल्ली में, और इसकी थीम कनेक्टिविटी थी, इन दोनों के करेक्ट आंसर है इसका, इसका आंसर होगा करेक्ट सी, ठीक है, सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गंगा जो है इंडिया की रिवर है, वोल्गा रशिया की है, और ये पहला गंगा वोल्गा डायलॉग है, ये ध्यान रखिएगा सबसे पहला। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है, पहली बात तो ये कि गंगा वोल्गा जो डायलॉग है किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और रशिया के बीच में है। दूसरी बात ये कहां पे हुआ, तो कहां पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ, और इसकी थीम क्या थी, कनेक्टिविटी, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं बन सकते हैं। जितने सवाल जो करंट अफेयर से बन सकते हैं वो सारे हमने इसमें ले लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है आपके सामने, ये है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको यहां बताना है, ये बताइए ये लेटेस्ट न्यूज है, ये मैंने इसीलिए करंट अफेयर में डाल दिया है, वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के उत्पादन में फिर से कौन सा स्टेट जो है नंबर बना चुका है, इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। अब ये फिर से अभी बीच में यूपी हुआ था लेकिन फिर से वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो सब्जियों के प्रोडक्शन के मामले में सिर्फ यही एक डेटा जो एग्रीकल्चर की मैंने जीके फाइल है ना लेटेस्ट प्रोडक्शन वाला, उसमें सिर्फ यही एक जो है डेटा का बदलाव हुआ है, अब सब्जियों में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ चुका है वेस्ट बंगाल। अच्छा जल्दी से बताइए कमेंट करके, फ्रूट्स के प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन सा है। जितने भी आपके आंसर सही हो 100 में से जरूर बताइएगा कितने सही हो रहे हैं, और प्लस उसमें जो अलग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो इसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा कि जो है आपको याद है ये सब चीजें कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन, इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे, वोटर डे से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट में, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसमें 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आप देखिए इसमें तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन, ये कब एस्टैब्लिश किया गया था, 25 जनवरी 1950, बिल्कुल सही है ये, नेशनल वोटर डे। देखिए इलेक्शन कमीशन आया था 1950 में, फिर उसका जब 61वां वर्ष था 2011 में, तब नेशनल वोटर डे को स्टार्ट किया गया था, तो नेशनल वोटर डे 2011 से मनाया जा रहा है, हर साल मनाते हैं इसको 25 जनवरी को। पर्पस वही है कि इसमें जब भी जो लोग भी 1 जनवरी को 18 साल के हो गए उनको जो है रजिस्टर किया जाए पूरे इंडिया में। थीम क्या थी, अब देखिए इस बार कौन सा, ये देखिए अब इसमें क्वेश्चन आप ये अगर मेरे सेंटेंस पढ़ेंगे तो मैं सेंटेंस में सारी चीजें जो है घुसा देता हूं, मतलब क्वेश्चन जैसे भी बनाने की कोशिश करें, अगर आप हमारा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए इस बार नेशनल वोटर डे कौन सा था, 10वां था, लिखा है मैंने 10th थीम ऑफ 10th नेशनल वोटर डे, इसका यही मतलब है कि 10वां ये है, और क्या थी थीम, इलेक्ट्रल लिटरेसी टू स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है और इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट, कुछ कुछ मैं करंट अफेयर कई बार मिक्स कर देता हूं, यहाँ पे वही वाला है, मतलब यहाँ पे आपको 3 जो है करंट अफेयर पता चल रहे हैं,
तीन स्टेटमेंट बताने आपको, इनमें से कौन कौन सा जो स्टेटमेंट सही है। फोर्थ वाले का ये था, फिफ्थ वाले का भी ए होगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही। आप देखिए इसमें तीन आपको यहाँ पे चीजें पता चल गई। क्या चीज पता चल गई? पहली बात तो दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड कॉइन, ठीक है, 2.96 मिलीमीटर का, यानी कि 0.12 इंच का, किसने बनाया है? ये बनाया है स्विट्जरलैंड की, जो एक मतलब वहां की सरकार की है, स्विस मिंट वो कंपनी है, उसने बनाया है। अब इसमें सिंपल बात क्या है, क्या होगा इसका वेट है 0.063 ग्राम, और इसमें जो अल्बर्ट आइंस्टीन है जिनके काफी ज्यादा फेमस है, चाहिए आइंस्टीन को नोबल किस डिस्कवरी के लिए मिला था, ये बहुत पीसीएस के लिए बड़ा जो है ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसमें यहां पे होंगे इसमें, इस सिक्के में। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि पहला इंडिया का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है ये कहां बनाया गया है, ये इससे पता चलता है, ये भुवनेश्वर बनाया गया है। किसने बनाया ये भी पता चलता है इससे, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने बनाया है, ये रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ठीक, तो दो इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब तीसरा बात यह है कि इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल जानवरों के लिए, यानी कि डॉग हॉर्स और मोल खच्चर के लिए, ये कहां पे आया है, ये आया है मेरठ में। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्टली और ये करेक्ट है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसमें बताइएगा जल्दी से, 2-5 सेकंड में जो है अटेम्प्ट जरूर कर लिया करिए। सिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ध्यान से देखिए इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है चूज इनकरेक्ट, मतलब गलत बताना है यहाँ पे एग्जाम में। जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप जो है 2 सेकंड जरूर क्वेश्चन को देखा करिए कि पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है बताने को कि गलत पूछ रहा है बताने को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे गलत पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि दोनों सही है। 7वां आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरी बात है 2020 के लिए जो अभी ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये किसको किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला है इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में, और कुमार मुन्नन सिंह को मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में। अच्छा, कोई बताएगा कमेंट करके, ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये किस ईयर से चालू हुआ था, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसी के साथ आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट सवाल, ये है 7वां नंबर का सवाल। यहां पे फिर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको बता रहा है कौन से स्टेटमेंट, फिर से ध्यान देंगे, चूज इनकरेक्ट गलत चुने, गलत कौन कौन से हैं ये बता दें आपको। 7 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे, ऐसा नहीं होता है कि हर बार नन ही हो, कभी कभी जो है खेला हो ही जाता है। इसका करेक्ट आंसर बताइए, 7 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है यहां पे गलत है। कैसे गलत है? पहला तो बिल्कुल सही है, भारत पर्व जो है 26 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक मनाया गया लाल किले के सामने, ठीक है। दूसरा गलत है, भारत पर्व किसका एनुअल इवेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, ये वाला गलत है, बाकी सही है। थीम क्या थी इस बार की? एक भारत श्रेष्ठ भारत और सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी के 150 वर्षों का उत्सव है ये। समझ में आ रहा है, समझ बूझ रहा है कि नहीं, कमेंट इसमें जरूर बताइएगा। और क्या टेस्ट सीरीज वाला ऐसे ही बना है बोर्ड के सामने आके कि जैसे मैं पहले बनाता था वैसे बनाओ? नेक्स्ट क्वेश्चन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब देखिए इसमें बताना क्या है आपको, मैंने रैंकिंग वैंकिंग नहीं पूछी है, मैंने ये पूछा है कि इसमें जो करप्शन ये मापते हैं ये कौन से लेवल का होता है, क्या वो पब्लिक करप्शन होता है या प्राइवेट कंपनियों का होता है या फिर दोनों का होता है या फिर कोई नहीं इनमें से लोगों का होता है, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। 8 क्वेश्चन में जो ये करप्शन होता है इसमें कहा करते हैं पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए ये मेजर करते हैं, ठीक है। पब्लिक का है यहाँ पर, मतलब जो पब्लिक सेक्टर का होता है, पब्लिक सेक्टर मतलब जो आपकी गवर्नमेंट बोर्ड है उसमें करप्शन मेजर करते हैं, तो वो पूरा जो है। अब देखिए ये 2019 की रिपोर्ट आई थी, 180 कंट्री है इसमें, इसका मैंने आगे भी कर रखा है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे रखी है इसमें, ये है। अब देखिए इसमें जो है ये करप्शन की रैंकिंग है, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक। तो पहली बात तो कुछ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि नंबर 1 पे कौन रहा है, ये नंबर 1 पे रहा डेनमार्क, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, इसका स्कोर था 87। इसमें 0 जिसका स्कोर होता है ना उसको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट है, और 100 की तरफ जिसका जाता है ये सबसे कम करप्ट है, तो डेनमार्क सबसे कम करप्ट है, न्यूजीलैंड फिर उसके, न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों 1 नंबर पे रहे हैं, ठीक है।
फिर आपका जो है यूके है, और फिर ये सब है। तो यूके की रैंक है 12, वन लिखा हुआ है, वन रैंक किसकी है, डेनमार्क की। ठीक है, इंडिया की कितनी रैंक थी, 80, और चाइना की भी 80 थी। इंडिया का स्कोर कितना था, 100 में से 41। पाकिस्तान का स्कोर कितना था, 32, और पाकिस्तान की रैंक है 120। ये है कुल मिला के बाद, ठीक है, 180 कंट्री को इसने मापा था। और इसमें जीरो जो है हाईली करप्ट होता है, और 100 मतलब बहुत ज्यादा क्लीन। सबसे पहले ये 1995 में लॉन्च किया गया था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यही हर साल देती है करप्शन परसेंटेज इंडेक्स में रैंक की अपनी। ये जर्मनी बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई इसमें। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं इसमें। और ये है क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, ये वाला क्वेश्चन बताइए कहे के यहाँ पे मैंने पूछा। ये ऑपरेशन एल्ब्रिच किससे रिलेटेड है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, है करेक्ट ए और बी दोनों। ये एक्चुअली 1917 में एक मूवी आई थी, उसकी वजह से चर्चा में आया है ये। ठीक है, 1917 करके अगर आपने मूवी देखी हो तो ये उसी से रिलेटेड है। कोड नेम था जर्मनी मिलिट्री ऑपरेशन का वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, ठीक है, और फ्रांस की टेरिटरी में था, इसीलिए दोनों ये एसोसिएटेड है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट इसमें चलते हैं आगे की तरफ, और ये आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन 10th। दुई स्टेटमेंट यहां पे दिए गए हैं, और दोनों में से आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहां पे, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 2020 का ओलंपिक जो है वो टोक्यो में होगा, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को कैसे आपसे घुमा के पूछ सकते हैं, पूछेंगे इसमें कि भैया जी और बहनी जी ये बताइए ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कितना जो है 2020 तक कहा गया है, कितने के मतलब लगभग अराउंड कहा गया है ये, एज पर ये यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, मतलब आईएलओ की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कितना बताया गया है। अब उसमें चार फिगर दे देंगे आपको, एक कह देंगे 1.5 मिलियन, एक कह देंगे 2.5 मिलियन, एक कह देंगे 2 मिलियन, ऐसे करके। तो ये 2.5 मिलियन बताया गया है, ठीक है, ये वाला चीज है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 10th का क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11th। यहां पे देखिए ये ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं देता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, और ये बताना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा देश है ये, अगर आप बता सके, मतलब ये बहुत ही सरल क्वेश्चन का है, ये बहुत ही सरल लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। यहाँ पे 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, ये तीन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तीनों में से आपको करेक्ट बताना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, देश का नाम आप बताएंगे। 11th क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा ऐसा है कि जहां पे सातवां आईसीसी का मेंस का T20 वर्ल्ड कप होना है, सातवां आईसीसी का वुमेन का T20 का वर्ल्ड कप होना है, और अभी जो है बुश फायर का इंसिडेंट हुआ था, बताइए कौन सा देश है। आप तो समझ गए होंगे, कमेंट करके बताइए जल्दी से। आंसर शीट पे मैंने जो पेड ग्रुप वाले जिन लोगों ने लिया, अच्छा यूपी पीसीएस की हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई, पेड ग्रुप उसका लॉन्च हो गया है, यूपी पीसीएस अपर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज का बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है, 13 तारीख से आज से टेस्ट सीरीज चालू है उसमें, ठीक है, और टोटल ला के 31 टेस्ट दे रहे हैं, प्लस और भी कई सारी चीजें हैं, और एक दो ग्रुप है उसका, टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज विदाउट करंट अफेयर। बीओ की टेस्ट सीरीज का भी ग्रुप चालू हो चुका है, बीओ का कंप्लीट पेड ग्रुप की फीस रिड्यूस कर दी गई है, अपर पीसीएस का जो है 12 जनवरी से चल रहा है, यूपी पीसीएस में किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, सारे हमारे पेड ग्रुप है, यूपी पीसीएस बीपीएससी प्री मेंस के लिए, इवन यूपीएससी के लिए भी चालू हो गया, अगर आप चाहें तो दो नंबर जो दिए रहते हैं हर पेज में उनपे कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं, 8564880530 और 9696066089, लास्ट में दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 12th क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है ये, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, आप बताइए इसमें कौन सा जो है आपको गलत लग रहा है सवाल, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, कौनो यहाँ पे गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए मैं कई पूरे जो है स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आंसर एक्सप्लेन करते टाइम इसको बता दे रहा हूँ। पहला इसका ये मतलब है कि मानसी एक करके एक लैब्राडोर या फिर डॉग है, मतलब उसको अभी आर्मी का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है, ठीक है, तो ये इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, 2016 में कश्मीर ऑपरेशन में ये, और ये उस लिस्ट में आ चुका है कि जिनको की जो लिस्ट ऑफ एनिमल्स है टू बी रिमेम्बर्ड, जिनको याद किया जाएगा। दूसरा ये है कि केरला का जो टूरिज्म है ये बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट है ये, इसको यूनाइटेड नेशन के WTO ने, ठीक है, स्पेशल मेंशन करके दिया है
एक्सेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड में, इसको क्या अवार्ड मिला है, इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन का। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका कोई भी गलत जो है नहीं है, इसीलिए 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, और ये इसी के साथ आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन 13 में बताना है आपको पद्म अवार्ड या फिर पद्मा नहीं बोल रहे, पद्म अवार्ड बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैंने इसका अवार्ड के नाम नहीं पूछा। अच्छा ये बताइए इस बार पद्म अवार्ड टोटल जो है कितने लोगों को दिया गया है, इस बार जो है एक्सेप्शन हुआ है क्योंकि अभी तक इतने लोगों को नहीं दिया जाता था, सबसे हाईएस्ट शायद इसी साल दिया गया, कितने लोग हैं ये रट लीजिएगा, ये वनडे एग्जाम में आना है क्वेश्चन। अब आप ये बताइए कि इसमें से तीन जो स्टेटमेंट है कौन से इनकरेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे 13 वाले में कोई भी जो स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। सही बात है बिल्कुल, कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, और उनको जो वो लोग हैं जो पीएसयू और प्लस जो डॉक्टर और एसआईटी को छोड़ के उनको अवार्ड नहीं दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है जो पीएसयू के साथ काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट को दिया जा सकता है। ठीक, एक ये है अवार्ड मरने के बाद भी दिया सकता है, बिल्कुल सही है, अवार्ड को फॉरनर्स को भी दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 13 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे 14 क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला बताइए जल्दी से कमेंट, यहाँ पे चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन का नाम पूछा गया है, बताइए ये एक्चुअली क्या है, एडॉक कमेटी बनाई गई थी राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू द्वारा, जिसमें ये जो सेक्सुअल अब्यूज होता है चिल्ड्रन का उसको मतलब कंटेन करने के लिए, उसको जो है रोकथाम करने के लिए, प्लस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, उस कमिटी के चेयरमैन का नाम बताना है, और 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश थे उसके चेयरमैन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और ये आ रहा है आपके सामने, ये यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तीनों में से करेक्ट वाला नहीं इनकरेक्ट वाला बताना है, तीन स्टेटमेंट लिखे हुए तीनों में से इनकरेक्ट, बताइए जल्दी कौन सा होगा, ठीक है, तीनों में से गलत वाला, इसमें 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कारा, अगर आपको अडॉप्शन करना होना है, मतलब बच्चों को अगर अडॉप्ट करना हो तो उसके लिए इंडिया की नोडल बॉडी कौन सी है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा है, ठीक है, ये जो है आपका इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर से भी जो अडॉप्शन के केसेस दोनों को डील करता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये एक स्टेटूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है, इसको लॉ के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, तो ये स्टेटूटरी बॉडी है ये, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में है, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है इंटर कंट्री ऑपरेशन के लिए भी, और इसको हेग कन्वेंशन के हिसाब से जो है बनाया गया था, बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक, 16 क्वेश्चन आपके सामने, इसमें से आपको बताना है चार स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, चारों में से गलत वाला बताना है, गलत कौन सा है, 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी है इसका, कोई भी गलत नहीं है, चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम परफेक्टली करेक्ट है। भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, बिल्कुल सही बात है, 1954 में इसको जो है स्टार्ट किया गया था, 1954 से स्टार्ट किया गया था। इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्टली आते हैं, इसके लिए कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं फॉर्मली, ठीक है, तो ये मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद जो है रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। जो नंबर है ये मिनिमम जो मैक्सिमम जो है तीन दिए जा सकते हैं बस एक साल में, इससे ज्यादा नहीं, अभी तक का तो यही कन्वेंशन रहा है, कोई ऐसी मॉनिटरी ग्रांट इससे एसोसिएटेड नहीं है। अच्छा, पांचवा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, देखिए आपने जो आर्टिकल फंडामेंटल वाला पढ़ा होगा, एबॉलिशन ऑफ वो जो वाला है आर्टिकल नंबर 17 है जो, जिसमें कि भैया ये टाइटल आप नहीं लगा सकते हो कि भारत रत्न ये, तो वो तो ठीक बात है कि मतलब आप जो है उसको वो लोग वो सिर्फ जो है वो बिल्कुल उस टाइम पे होता था जब आजादी के टाइम पे राजा धीराजा प्लस बहुत सारे टाइटल होते थे, लेकिन ये वाली चीज बिल्कुल सही है कि वो अगर कोई भारत रत्न अवार्डी है तो भैया अपने बायोडाटा लेटर हेड में और विजिटिंग कार्ड में तो लिख ही सकता है कि वो भारत रत्न जीता है, बिल्कुल सही है ये, इसीलिए मैंने जानबूझकर रखा है वाला स्टेटमेंट। 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसलिए डी। 17 क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इधर बताइए G77 का चेयर 2020 के लिए किसको बनाया गया, और इसका करेक्ट आंसर है ए, गुआना, ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर है यहां पे ए। G77 का होता है भैया, G77 ये होता है भैया, G77 को बनाया गया था 1964 में, बनाया गया था जून में, इसका जो है हेडक्वार्टर जिनेवा में,
सिंपल बात ये जो डेवलपिंग नेशन है ना उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए बनाया गया था। G77 मतलब उस टाइम 77 थे, अब तो ये बहुत फैल फैल के 135 हो गए हैं। चाइना इसको अपना मेंबर नहीं आना, चाइना अलग ही भाव में लिखता है, चाइना है इसमें, लेकिन जब इनके स्टेटमेंट आते हैं तो G77 और चाइना आते हैं, ऐसे करके आते हैं। चाइना मतलब है लेकिन अपने आप को मेंबर तो है लेकिन मतलब इसमें है ये, मतलब पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन मेंबर अपने आप को नहीं कर समझता है, तो इसलिए इसके जो स्टेटमेंट आते हैं G77 चाइना के नाम से आते हैं। 2018 के लिए इसकी चेयरमैनशिप थी इजिप्ट के पास, फिर फलस्तीन के पास, फिर 2020 के लिए गुयाना के पास, बस इतना ही जरूरी, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। जितने काम की बात है ये बता देंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा जो है वीडियो बनाना है कि नहीं बताओ जल्दी, बहुत दिनों से दो तीन में प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इकोनॉमिक 9 से लेकर 12 तक की समरी और प्लस एक दो चीजें हो रहे हैं वो बताएंगे आपको, बहुत जल्दी आने वाली है। जो हमसे जलते हैं ना उनको और जलाने में इतनी मजा आती है ना कि मतलब जो है दिल जो है तसल्ली में हो जाता है। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, 18 का ए है करेक्ट आंसर। गति प्रोजेक्ट जो है वो किसको मॉनिटर करेंगे और स्पीड अप करेंगे, रोड प्रोजेक्ट को करेंगे। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ लोग को जो है जैसे ही प्रोजेक्ट वीडियो देखते हैं मेरा तुरंत डिसलाइक कर देते हैं, पता नहीं कहां से लाते हैं इतनी नफरत, तो खैर जो है करने दो भैया, जो करते बने जिसको कर लो, जो उखाड़ते बने उखाड़ लो, हम तो ऐसे थे ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे। 19th बताइए जल्दी, अभी कुछ एक्सकवेशन हुए हैं नागार्जुन में जिसमें कि वाकाटाका डायनेस्टी के बारे में कई सारी नई क्लैरिटी लाए हैं, अब ये जो है ये नागार्जुन कहां पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये नागार्जुन कहां पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है, यहां पे जो है महाराष्ट्र होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। कई सारे जो है बड़े चैनल वाले एक्चुअली कई बार आपको खरीदने कोशिश कर चुके हैं, करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट देख चुके हैं लेकिन हम नहीं माना था, तो नहीं माना था। 20 वाला बताइए, शिव भोजन किसकी स्कीम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 वाले का बी, महाराष्ट्र की है, 10 रुपए में पर प्लेट थाली खिलाएंगे भैया जी और बहनी जी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब चीजें आ सकती है भैया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, देखिए शिव भोजन अभी तक वो दीनदयाल थाली थी, अब वो शिव भोजन होगी क्योंकि अभी तक समझ रहे सरकार वहां बीजेपी की थी, अब वो शिवसेना की होगी, इसलिए गरीब बच्चों को नहीं सॉरी गरीब लोगों को सब्सिडाइज रेट पे देंगे। अच्छा ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन तो यार जो है बिना पैदा हुआ बच्चा भी जानता होगा कि नहीं जानता है, ये वाले में कंफ्यूजन है, इतना आसान नहीं है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी जो इस समय फिलहाल 13 फरवरी 2020 को क्या कंडीशन है, इंडिया में कितने स्टेट है 9 यूनियन टेरिटरी, ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आप ही बताइएगा इसका ए बी सी डी कौन सा होगा, ठीक है। कुछ मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया यार, इतना भी अगर नहीं पता है तो बिल्कुल पीछे से तैयारी करना छोड़ दीजिए, मतलब पता होना चाहिए कुल मिला के, बात यह है ऐसा जो है डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करते रहिए, लोग जो है लगातार जो पढ़ते हैं वही होते हैं। 22 का करेक्ट आंसर बताइए, 22 में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, परफेक्टली करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2020 का कहां पे किया गया था, कोणार्क में किया गया, बिल्कुल सही है ये। 16 लोगों को सिलेक्ट किया गया है इस बार पद्म भूषण अवार्ड के लिए 2020 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, बिल्कुल सही है। और मैरी कॉम को दिया गया है इस बार पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया ये एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए करीबन 140 लोगों से ज्यादा अवार्ड दिए गए हैं ये पद्म वाला, लेकिन पद्म विभूषण जो है अब पद्म में भी अगर आप बात करें तो सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पद्मश्री तो थोक के अवार्ड देते हैं, थोड़ा सा जो है पद्म भूषण थोड़ा कम लोगों को देते हैं, पद्म विभूषण बहुत कम लोगों को, मतलब भारत रत्न जो नंबर 1 पे सिविलियन अवार्ड, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, इस हिसाब से हिसाब किताब है यहाँ पे। खैर ये सब चीजों में तो चलता रहता है, कई सारे जो है इसमें पॉलिटिकल गेम भी चलते हैं। 23 का करेक्ट आंसर बताइए, इसमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से 23 का इनकरेक्ट वाला बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं लेकिन सवाल तो ऑप्शन तो सही बता रहा है ना। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कौनो स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें 3 करंट अफेयर आपके कवर हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, अगर ये पूछे कि कौन सी ऐसी बैंक है जिसने ओटीपी बेस्ड एटीएम जो है कैश विड्रॉल जो है योजना चालू करी, तो वो है SBI, कब से ये इफेक्टिव है, 1 जनवरी 2020 से। दूसरा यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि कौन है ऐसा, कौन सी ऐसी महिला है जिसने रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का, वो कौन है, नासा की है एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहां पे, मतलब बाई ए वोमन है ये, नासा की जो एस्ट्रोनॉट है अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान बनाने का रिकॉर्ड जो है बनाया है यहाँ पे, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें 49 बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे हुआ था, इंडिया बांग्लादेश के बीच में दिल्ली में हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, और वो है ये, बताइए इसी का करेक्ट आंसर 24th। दो स्टेटमेंट दिए, अगला वाला वीडियो ऐसे ही बनाया क्या, बहुत मेहनत लग रही है यार खड़ा होने में, कि वैसे बैठे बैठे बना दे, वो वाला बढ़िया दिखता है, अपना मोबाइल में करा करो कुछ कुछ करके बना दो, इसमें जो है इधर उधर घूमना पड़ रहा है। 24th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि अभी जो विजडन T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड बनाएगी, उसमें इंडिया की तरफ से दो लोग हैं, एक है विराट कोहली और एक है जसप्रीत बुमराह, ये दो लोग को लिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे ई बकरे, ये अभी किसने, फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, और बेसिकली इसमें एक जो पब्लिक सेक्टर बैंक का ई ऑक्शन होता है उनको जो है यहाँ पे नेविगेट करने के लिए, प्लस एक सिंगल विंडो एक्सेस देने के लिए इंफॉर्मेशन के लिए ये बनाया गया है ई ऑक्शन के लिए। तो ई बकरे किससे रिलेटेड है, ई ऑक्शन से रिलेटेड है, ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली करेक्टली बिल्कुल सही है। 25th क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, और ये है ये इंडिया की, अरे ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा प्याज जो है, प्याज के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है ये बताना है। 25th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र है। मैंने बताया था ना, याद आया, महाराष्ट्र के लिए एक ट्रिक बताई थी, काजू प्याज और क्या बताया था, अगर किसी ने पुराना वीडियो देखा होगा तो जरूर याद आया होगा उसको, अब मैं तो बोलूंगा नहीं तो फिर जो है कई जो है क्रिटिक लोग जो है हमारे वीडियो के 20 से पिक निकालते हैं, ये देखिए सर ने बोलते हुए हाथ खड़े कर दिए। नेक्स्ट है 26, इसमें आपको बताना है कि अगर मान लीजिए, देखिए अगर आपने मान लीजिए इसमें इसमें हिसाब किताब क्या समझिए, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो रूल क्या है, अभी तक क्या था कि अगर बैंक जो है बंद हो जाए, बैंक को लिक्विडेट हो जाए, बैंक भाग जाए, बैंक रन अवे हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुल मिला के मतलब बैंक खत्म हो जाए अगर, तो उसमें अभी तक यह था कि आपका जो है 1 लाख रुपए ही मिलता आपको, चाहे आपने 1 करोड़ किया हो जमा और चाहे आपने 100 करोड़ किया हो। अब ये लिमिट इस बार बजट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई, जिसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ये बहुत गलत बात है, बैंक में आदमी इसीलिए तो करता है कि भैया पैसा सेव रहे, उस बैंक कह रहा हूं तुम्हें हिस्सा नहीं है, वैसे बहुत ज्यादा कोई सेविंग इंटरेस्ट नहीं देते हैं, अगर कैश रखो तो कैश नहीं रखने देते हैं, चाहती क्या है गवर्नमेंट ये। नेक्स्ट इसमें 27 में बताना है आपको, दो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से करेक्ट वाला बताना है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का बी। ठीक है, इस यहां पे जो है करेक्ट वाला बताना है, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जीएसटी काउंसिल स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बनाई गई है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, दूसरा ये कि इसको चेयर करते हैं कौन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और बाकी जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके मेंबर होते हैं, बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। जीएसटी काउंसिल किसका है, अच्छा जीएसटी काउंसिल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो किस आर्टिकल के तहत बनाई गई है, सवाल उठता है ये, बताइए जल्दी से, आर्टिकल वाला कमेंट में बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अब इस समय नेशनल हाउसिंग बैंक में मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, आरबीआई ने बेच दिए पूरे के पूरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 28 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 29, इसमें ये बताना है आपको, अभी जो लेटेस्ट मतलब इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड जो आपका प्रोग्राम चालू किया गया था, ट्रेडेड फंड चालू किया गया था, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है ये बताना है, हिंदी में दोनों में लिखे हुए सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल में है, आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, मैं नॉर्मल भाषा बता रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए, पांचों ही लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, NRI भी कर सकते हैं, हाई नेटवर्क भी कर सकते हैं, टॉप टीयर कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, FPI भी कर सकते हैं, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 30, इसमें बताना है आपको कि जो अभी देखिए NEFT जो है, अब उसमें एक न्यूज आई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, ये PCS के लिए तो कम से कम पूछ ही सकते हैं, अब इसमें जो है NEFT की लिमिट जो है वो खत्म कर दी गई है, NEFT के माध्यम से आप कभी भी जो है आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सिंपल बात ये है, अगर 16 दिसंबर से आप देखें तो इसमें होगा आपका
ये वाला ये कुछ भी नहीं होगा इसमें, मतलब 30 के क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, ठीक है, चारों स्टेटमेंट गलत है। मतलब 16 दिसंबर से अगर आप NEFT करते हैं तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं कि संडे को नहीं होगा, पब्लिक हॉलीडे नहीं होगा, गेस्ट हॉलीडे, हर दिन होगा। 16 दिसंबर से अगर आप ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन मनी NEFT के थ्रू, तो 24/7 365 डेज होगा, ये रूल आ चुका है 30 वाले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 31। ये जो है इनमें बता रहा है कि उसी से रिलेटेड बैंक इकोनॉमी की न्यूज है ये, कि अभी भी कौन चार्जेबल है। देखिए अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, NEFT और RTGS पे चार्ज हटा दिए, लेकिन IMPS में अभी भी जो है चार्ज लगता है ₹1 से लेके ₹25 तक। तो इसका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन, और ये है आपका 32। ये आपको बता रहा है, अच्छा ये इकोनॉमिक ऑफेंडर, वो फ्यूजिटिव वाला आपने बिल देखा था कि नहीं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, इसके तहत किसको किसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अभी तक डिक्लेयर किया गया है, इस बिल के बारे में बाकी डिटेल में देखेंगे। अभी आप बताइए इसमें कौन कौन से लोग हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ए और बी दोनों, नीरव मोदी को किया गया है और विजय माल्या को, कपिल सिब्बल को नहीं किया गया। कपिल सिब्बल का नाम जरूर आया था अभी PFI फंडिंग में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, ठीक है, ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें है आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं पेमेंट बैंक से रिलेटेड, इसमें आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत वाला बताना है, ठीक है। गलत वाला जल्दी से पढ़ के बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, तीनों ही स्टेटमेंट यहां पे जो है गलत है, ठीक। क्यों गलत है? क्योंकि पेमेंट बैंक 5 लाख रुपए नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए तक दे सकता है, मैंने वो अलग ट्राई बताइए। तीनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब कुल मिला के, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट गलत है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए पूरी पेमेंट बैंक की और स्मॉल बैंक की प्रॉपर्टी डिस्कस करी गई है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी कई बार जो है न्यूज में घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, इसे आ सकता है। पेमेंट बैंक कितना पैसा ले सकता है पर इंडिविजुअल कस्टमर? 1 लाख रुपए सिर्फ, ठीक है, 5 लाख इसमें लिखा था इसलिए गलत हो गया। और स्मॉल जो है इसमें कुछ कितना डिपॉजिट कर दो, इसमें जो है ये लेंडिंग नहीं कर सकता, उधार नहीं दे सकता है, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता है, ये थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी लेंडिंग कर सकता है, फोकस रहेगा छोटी छोटी लेंडिंग पे। ये जो है आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल सकता है, छोटे छोटे अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे जो ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, ये क्या कर सकता है, छोटी जो है बैंक बिजनेस यूनिट खोल सकता है, मार्जिनल फार्मर को थोड़ा मोटा दे सकता है, फाइनेंस कर सकता है, छोटी छोटी इंडस्ट्री को कर सकता है, ठीक है। ये आपका जो है पेमेंट बैंक में रेमिटेंस सर्विसेज अलाउ हो सकती है, इसमें रेमिटेंस और क्रेडिट कार्ड भी अलाउ होता है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक नहीं करता है, इसे ध्यान रखिएगा आप, कोई भी इसको अथॉरिटी नहीं है पेमेंट बैंक को कि क्रेडिट कार्ड अलाउ कर दे, ये कर सकता है लेकिन, ठीक है, ये आपका डेबिट कार्ड कर सकता है, डेबिट ये जो है आपका मतलब डेबिट कार्ड नहीं कर सकता है पेटीएम बैंक, लेकिन ये वाला नहीं कर, ये सॉरी पेटीएम बैंक जो है डेबिट कार्ड कर सकता है, क्रेडिट नहीं कर सकता है, ये दोनों कर सकता है, सिंपल बात ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आपका ये क्रेडिट कार्ड भी कर सकता है, डेबिट कार्ड भी कर सकता है, पेटीएम वाला बैंक सिर्फ जो है डेबिट कार्ड कर सकता है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है ये पेटीएम वाले बैंक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी लोन भी दे सकते हैं, ये वाला काम ये भी कर सकता है स्मॉल जो बैंक होते हैं। तो ये कंपैरिजन आपको देखना जरूरी था, चलिए आप आगे चलते हैं। इसमें स्मॉल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है 34, इसमें से इनकरेक्ट वाला पूछा है, मैंने सारी आपको चीजें बता दी। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला वाला गलत है, ठीक है, सॉरी तीसरा वाला गलत है, मतलब ऑप्शन ए गलत है, यानी कि तीसरा गलत है। पेमेंट बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक कब बन सकते हैं? 5 साल के ऑपरेशन के बाद, 10 साल लिखा हुआ है, 10 तैयार नहीं है, 5। नेक्स्ट इसमें करते हैं, इसमें 35, ये छोटा सा ये है, टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइए। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नॉर्थ। अब देखिए मैं इसमें ऑप्शन डायरेक्टली नहीं पूछता हूं कभी भी, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां पे लोकेटेड है, न्यूज में आया था इसलिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 550 से ज्यादा है, कितने नाम याद करोगे आप। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है नेवले से रिलेटेड है ये, ठीक है, नेवले के बाल से ब्रश बनाए जाते हैं, उसी को जो है खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 36 का डी है ये। इसमें जो है अगर आप इंग्लिश में क्या टर्म होता है उसका, मंगूज हेयर, ठीक है, ये मैंने शायद लिखा हुआ है इसमें, और देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे है ये शायद, ये आप देख, नहीं नहीं ये नहीं है, तो मतलब एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इसीलिए है ये कि मतलब नेवले के जो बाल, मतलब ये एक पहला ऑल इंडिया ये आपका ऑपरेशन चलाया गया है, और ये क्या नाम है इसका, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ठीक है। इसमें किसने चलाया है ये आप जरूर देख लीजिए,
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया, WCCB ने चलाया ये। और सिंपल बात ये कि जो मंगूज है यानी कि नेवला, उसका कोई भी बॉडी पार्ट अगर आपने जो है ट्रेड किया तो ये एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। नेवले के बाल के बालों को गैर कानूनी व्यापार से रोकने के लिए चलाया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने, ठीक है, ऑपरेशन क्लीन आउट। याद रखिएगा, मतलब ये वाले में ज्यादा कोई ऐसा डिटेल नहीं पूछेंगे, बस किससे रिलेटेड है ये पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नेवले होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1972 वाला है उसके तहत भाग दो में जो है सूचीबद्ध किया गया है, ये आप जरूर याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने और ये है 37 में ये बताना है आपको। देखिए इसमें क्या है, इसमें मैंने बताया है आपको कि भैया जी और बहनी जी, इंडिया की जो रैंकिंग है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 76 पे था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, मतलब जो है क्वेश्चन बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप ही समझिए। जो लोग क्वेश्चन बनाने वाली फील्ड में है वो समझते होंगे कितना, अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो कितनी मेहनत लगती है। इसमें क्या लिखा है, इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जो टेस्ट सीरीज वाले हैं ना हमारे वो देख लीजिएगा, मैं जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की वो भी पढ़नी है, मतलब यहां भले गलत हो जाए वहां मत गलत करके आना। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 76, ठीक, ये लिख गया यहां पे। और जिसको कि टॉप किसने किया था डेनमार्क, मतलब ये भी पता चल गई, दोनों बातें पता चल गई आपको। और जिसको रिलीज किसने किया था वो भी देख लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ऐसा क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता है। इतनी जो है मैं शिद्दत से ये सारी चीजें डालता हूं इसमें कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी इसमें। अब आपको बस ये बताना है कि जो 82 कंट्री, मतलब कि टोटल कितनी कंट्री का वैल्यू चुना है 82 कंट्री का, उनको कौन कौन सी डायमेंशन में किया गया था ये बताना है आपको। तो उनके लिए 5 डायमेंशन थी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के लिए। एक था हेल्थ पे उनको किया गया मॉनिटर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क और आपका ये प्रोटेक्शन और इंस्टीट्यूशन, पांचों ही ये है करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो 37 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। अब आप ये देखिए मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जो वीडियो बनाते हैं सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जो देखने वाले क्या है बस उठे और मुंह उठाया बस बना दिया, अरे सब चीज पढ़नी पड़ती है भैया जी। 38 का करेक्ट आंसर था ये, 38 का करेक्ट आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूरोपियन यूनियन पहला ऐसा मल्टीलेटरल ब्लॉक बन गया है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये भील जो है, भील ट्राइब से रिलेटेड है ये, किससे रिलेट किया गया, बिल्लू से, जिसका मीन्स होता है बॉ, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे धनुष होता है, ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, ये छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। अच्छा ये क्यों, इनका जो भील ट्राइब है कहां कहां मेंशन है, महाभारत और रामायण में। ये वाला जो है भील ट्राइब क्यों एकदम से चर्चा में आ गई थी, MPPCS में क्वेश्चन हो गया था, उसमें कोहराम मच गया था, उसमें इनको कुछ लिख दिया गया था, क्या लिख दिया था इसे कोई कमेंट में बताया कि कुछ हुआ था ऐसा केस, MPPCS में होता है, न्यूज में आ गई थी। नेक्स्ट इसमें आशुगंज अखूरा प्रोजेक्ट इंडिया और किस कंट्री के बीच में है, इसका करेक्ट आंसर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, इसका आंसर है ए, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। सास कैंपन किससे रिलेटेड है, सांस कैंपेन किससे रिलेटेड है, 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चाइल्ड मोर्टेलिटी से, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने से रिलेटेड है, बाल मृत्यु दर को कम करने से रिलेटेड है सांस कैंपेन। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया, ठीक है, सक्सेसफुली। तो ये इससे रिलेटेड है, चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड है ये। और इसमें क्या है, जो न्यूमोनिया की वजह से डेथ हो रही है बच्चों की, उनको रोकने के लिए है सांस कैंपेन, जरूर एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके लिए, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी मलेरिया इलिमिनेशन रिसर्च अलायंस मेरा, अब देखिए इसमें क्या आ सकता है क्वेश्चन कि मेरा इंडिया किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, मलेरिया को खत्म करने से रिलेटेड है, और वो भी कब तक खत्म करने से रिलेटेड वो मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2030 तक यहाँ पे जो है इसको मलेरिया को खत्म करना है मेरा इंडिया के तहत, ठीक। और इसको किसने लॉन्च किया ये भी ध्यान रखिएगा, ICMR ने किया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, तीनों इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, इसका आंसर 41 का। 42 बताइए करेक्ट, इसमें से करेक्ट बताना है, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का जो पहला आपका गवर्नमेंट ओन्ड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो कहां पे इनॉग्रेट किया गया था, शुभारंभ किया गया था, भुवनेश्वर में, बिल्कुल सही है। 1 trillion tree ये इनिशिएटिव किसका है, WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 1 trillion tree है इनिशिएटिव, ठीक है, सिंपल बात वही है उसका कि जो एनवायरनमेंट में जितना ज्यादा जो है कार्बन बढ़ गया है उसको थोड़ा कम करना, ग्लोबल वार्मिंग और उस सब में
जो है ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा कम करना और प्लस क्लाइमेट चेंज का जो रेट है उसको स्लो डाउन करना है, ठीक है। इसलिए 1 ट्रिलियन ट्री लगाएंगे, कब तक लगाएंगे ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए 1 ट्रिलियन जो ट्री है, सिंपल बात ये, ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है? WEF से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। कब तक करना है 1 ट्रिलियन लगाने हैं आपके? 2050 तक, सिंपल बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं 43 क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने और इसका आपको कमेंट बताना है करेक्ट सही है, बताइएगा जरूर कितने सही हो रहे हैं आपके। फाइनली पहला इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी है जो इंटरनेट और कंप्यूटर क्राइम को जो है हार्मोनाइज कर देगी, नेशनल लॉ जितने भी है उनको मिला के, मतलब कुल मिला के इंटरनेट और कंप्यूटर क्राइम को कम करने के लिए काम किया जाएगा, टेक्नोलॉजी में जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कॉपरेशन बढ़ाया जाएगा देशों के बीच, ऐसा कौन सा कन्वेंशन है? 43 का करेक्ट आंसर है ए, बुदापेस्ट कन्वेंशन है, ठीक है, यही इसकी थीम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 44 मित्र शक्ति, ये इंडिया और किसके बीच में होता है मित्र शक्ति, ये आपको बता रहा है। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 44 का बी है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। 45 आपको बताना है ILSTEX, ये एक पेमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया है ये आपको बताना है। ईरान से जो है यूएस बहुत ज्यादा गुस्सा है उससे, उसकी वजह से कई बार जो फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दे रहा है ईरान के ऊपर, किसी से ट्रेड वेड ना कर पाए इसलिए, तो और प्लस इसमें ईरान के डील में अगर आप देखेंगे तो यूएस ने न्यूक्लियर डील से भी जो है ये बैक ऑफ कर गया है ये, तो ये INSTEX ये किसका है? ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया है और इसको जो है धीरे धीरे और कंट्री ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक तरह से इसका फुल फॉर्म क्या है INSTEX का? ये इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, ये यूरोपियन यूनियन का है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। सिंपल बात यही है इसका कि जो नॉन यूएसडी ट्रांजेक्शन है ईरान में हो रहे हैं उनको, मतलब ईरान से ट्रेड जो है कंटिन्यू करते रखा जाए और यूएस जो है सैंक्शन लगा रहा है हर चीज में लगा देगा, यूएस दुनिया भर का अपने आपको राजा समझता है, जो चाहते हैं वो खुद करते हैं, दूसरे पे सैंक्शन लगा देते हैं। अभी इसको 5 यूरोपियन नेशन ने जो है यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया, देख लीजिए आप कौन कौन से कंट्री ने कर लिया, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और फिनलैंड और स्वीडन ने, 5 कंट्रियों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन का है, ये ध्यान रखिएगा। 46 में आपको बताना है करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए करेक्ट, 4 ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए ही है ये, मैंने ही बनाया, ऐसा मत सोचिए कि मैं फोन क्यों लिया हूं, अरे यार इतने सारे क्वेश्चन का याद रहेंगे क्या, बनाए हैं रटे थोड़ी ना है यार, समझा तो रहा हूं। 46 में बताइए, इसमें स्टेटमेंट होगा 4 सही है। देखिए इंटरनेट के WWF के फाउंडर कौन है, पहली बात इससे इन्फॉर्मेशन पता चलती है, सर टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, इन्होंने अभी एक नया जो है ये लॉन्च किया इनिशिएटिव, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब। सिंपल बात यह है कि जो WWW में यानी कि इंटरनेट को बचाने के लिए, ठीक है, और सिंपल बात यह है कि और बेटर जो है इसको वेब को बनाया जा सके, ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन उसके लिए बनाएंगे, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें इंक्लूड करेंगे और उसमें कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाएंगे जिससे सबको लाभ हो। कॉन्ट्रैक्ट में 9 प्रिंसिपल यहाँ पे फोकस किए गए हैं, जरूर याद रखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने क्वेश्चन में, 9 प्रिंसिपल है, 3 गवर्नमेंट के लिए, 3 प्राइवेट कंपनी के लिए, 3 इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इसमें देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, अब इसमें जो है आप बहुत सारी चर्चाएं सुन चुके हैं, अब आप बस ये बता दी किन किन कम्युनिटी के, सिंपल बात है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, मुस्लिम के लिए तो नहीं था तभी तो पंगे हो रहे हैं इतने सारे। 47 का करेक्ट आंसर है ए। देखिए ये माइनॉरिटी की बात करी और मुस्लिम जो है पाकिस्तान में मेजॉरिटी है, ठीक है, तो वहां की माइनॉरिटी को हमने बचाने के लिए CA जो मतलब पहले क्या था कैब था यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल, अब वो एक्ट हो चुका है क्योंकि बन चुका है, बिल्कुल सही बिल है, इससे इंडिया के मुस्लिमों को कोई भी खतरा नहीं है, जितनी भी जो इसके प्रोटेस्ट में चल रही है नोटिंगे सब जो है बेफालतू की चीजें हैं, मैं पूरी तरह से इसको सपोर्ट करता हूँ, आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं, नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, गाली गलौज मत करिएगा मुझे, सबके अपने अपने डेमोक्रेटिक राइट है, मुझे मैं तो बिल्कुल CAA और जो NRC तो आया भी नहीं है उसके लिए अभी से पंगे चल रहे हैं, CAA NRC को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि कोई मैं मुस्लिमों के खिलाफ हूँ, मैं तो ये भी जो है डिमांड करता हूँ कि रिजर्वेशन में जो SC ST वाला है वो सब हटा के रिजर्वेशन सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे दिया जाए, मुस्लिमों को भी दिया जाए, क्रिश्चियन को भी, बुद्धिस्ट को भी, जैनिज्म को भी, सबको, ठीक है। ये CAA बिल को अगर आप प्रोविजन को पढ़ लें तो कोई भी ऐसा इसमें नहीं है कि जिससे किसी भी मुसलमान को जो है इंडिया से बाहर भगाया जाए, वो सिर्फ एक नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है, बस ये सिर्फ जो है यहाँ पे बवाल फैलाया गया है, खैर इतना तो आप भी जानते हैं। 47 हो गया,
कट ऑफ डेट क्या है इसकी, ये भी समझ लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, यह है 31 दिसंबर 2014। और उसमें भी क्या है, नेचुरलाइजेशन को थोड़ा बस इजी किया गया है, पहले 12 साल लेना पड़ता था, अब 6 साल लेना पड़ेगा, बस कोई और बड़ा चेंज हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, पूरा बवाल मचा कर रख दिया एकदम। 48 का है ए, और वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, वो जो आप बता रहे कागज दिखाने वाली बात, वो हिंदुओं से भी दिखाया जाएगा, मैं बिल्कुल दिखाने को तैयार हूँ, और नॉर्मल कागज होते हैं जो वही जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वही उसमें भी दिखाए जाएंगे, पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात है, आप वोट डालने जाते हो तो कागज नहीं दिखाते हो, बैंक में जो जब खाता खुलाने जाते हो कागज नहीं दिखाते हो, जब आप जो है सब्सिडी लेते जाते हो चीजों जब फ्री मिलती है तब नहीं कागज दिखाओगे, इसमें नहीं दिखाओगे, पता नहीं क्या भाव है ऐसा, हम लोग दिखा रहे तैयार है, वो आप लोग क्यों नहीं दिखाओगे, सब दिखाओ भैया, इंडिया की सिक्योरिटी के जो भी चीज है सब अच्छी होनी चाहिए, सब में मानना चाहिए। दिशा बिल बहुत अभी न्यूज में आ गया था, देखिए सब लोग एक है, ये ध्यान रखिए, इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ाती है, हम सब एक है, हमेशा से एक थे और आगे भी एक रहेंगे। 49 में दिशा बिल किससे रिलेटेड है ये बताना है आपको, ये जो है आपका डी है इसका ऑप्शन, दिशा बिल अभी एक आंध्र प्रदेश की असेंबली ने किया था, बहुत ही शानदार बिल है, 21 दिनों में जो आपके गैंग रेप वाले लोग हैं उनको फांसी वांसी दे देंगे, ये बहुत बढ़िया, काश ये अगर निर्भया के टाइप होता, देखिए निर्भया के चारों लोग हैं उनको फांसी नहीं दी जा पाई, ये कुछ ना कुछ पेंच लगा के वो अपनी फांसी करा देते, जितनी जल्दी हो सके उनको फांसी देनी चाहिए, और बिल्कुल एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि जो भी ऐसे लोग होंगे उनको ऐसे जो है इस तरह से मारा जाएगा जलील करके, बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ दया की कोई जरूरत नहीं है, इन लोग के कोई ह्यूमन राइट नहीं सकते, इन लोगों ने कौन सा निर्भया का कोई ह्यूमन राइट मान लिया था, उसको किस तरह से जो है प्रताड़ित करके मारा था, इनको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए। ये देखिए आंध्र प्रदेश की असेंबली ने एपी दिशा एक्ट लाया है और बहुत ही शानदार भी रही है, इसमें क्या है, इसका नाम है एपी क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है ये, इसमें डेथ पेनल्टी मिलेगी रेप और गैंग रेप के लिए, और वो भी जो है इसमें इसमें एक चीज और है, ट्रायल का जो है वो 14 वर्किंग डेज कर दिया गया है, अभी तक जो है अगर आप देखें 4 महीने लगते थे, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि आप जो है 21 दिन के अंदर इसको जो है आप ट्रायल कर लो, तो ये पूरा जो है बिल है इसमें, इसके अनुसार ऐसे मामलों में जहां पे संज्ञान लेने लायक मतलब साक्ष्य है वहां पे जांच को 7 दिनों में और ट्रायल को 14 दिनों में जो है आपको पूरा करना होगा, और इसमें जो है आपका फैसला सुनाने की समय सीमा 4 महीने से घटाकर 21 दिन कर दी गई है, मतलब बहुत ही जल्दी, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस रेड है, अगर आपको जस्टिस बहुत समय तक नहीं मिला, जैसे निर्भया को नहीं मिल रहा है, उसको उसके चारों लोग को फांसी नहीं दी जा रही है जितनी जल्दी हो सके, तो वो मतलब जो है टलता जा रहा है, मतलब कुल मिला के जस्टिस नहीं मिल पा रहा है वहां पे, ये बात बहुत अच्छा भी लगे और इसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, आंध्र प्रदेश की सरकार का ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है इसमें आपके ये आपको आइडेंटिफाई करनी कौन सी कम्युनिटी है, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है और उनको हॉरोफोन और हॉर्को और मांझी भी बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 50 का ए, ठीक है 50 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत देर हो गई यार, ऑपरेशन ट्विस्ट आपने सुना होगा, ये आरबीआई भी भैया अपना रहा है, ये यूएस से निकला था, फेड जो फेडरल रिजर्व है यूएस का, मतलब यूएस का मेन सेंट्रल बैंक, वो लोग क्या करते थे वहां से ही ऑपरेशन ट्विस्ट था, सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट बॉन्ड को जब जरूरत होती थी तब बेच देते थे, मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रखते थे, वही अब आरबीआई भी अपना रहा है, तो ये कहां से है, सी है इसका ऑप्शन, 51 का सी है, ठीक है, ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, ये सबसे पहले, अच्छा देखिए यूएस में कब आया था, सबसे पहले 1961 में आया था, ठीक है, और उसमें जो है लिक्विडिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए यूएस डॉलर को जो है और स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया था, यूएस ने इसको 2011-12 में फिर से कर दिया, तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या, ये फेडरल रिजर्व द्वारा है ये, और इसमें सिंपल बात क्या है, परचेज और सेल ऑफ बॉन्ड, जैसे हमारे यहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ना, उसी टाइप का है कुछ ये, तो उसी तरह से है ये ऑपरेशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, जहां पे फेडरल जो है बाई करता है सेल कर देता है, मतलब लिक्विडिटी जहां जो है बढ़ गई तो अपना जो है खरीद लेता है कम करने के लिए, खत्म हो गई तो बेच देता है और करने के लिए, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, अब जैसे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मार्केट में बहुत पैसा जो है तैर रहा है, उसमें उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम जो है ये बॉन्ड को क्या करेंगे, उस टाइम बॉन्ड को बेचेंगे ताकि बॉन्ड लोग खरीदें और पैसा वापस आ जाए, और जब मार्केट में कम है तो वो बॉन्ड जो है बेचेंगे ताकि बॉन्ड उनसे खरीद लेंगे, जो कस्टमर है उनसे खरीदेंगे जब अपडेट वाले, तो पैसा डालेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते बेचते रहते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने में, उसी टाइप का है। चलो खैर आगे चलते हैं, इसमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, और इसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है,
आईओआरए से रिलेटेड इंडियन ओशन डायलॉग जो है कहां पे हुआ था। 52 का करंट आंसर हो जाएगा ए, तीनों स्टेटमेंट सही है। अभी ये आपका सिक्स हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ये सब मैं बातें बहुत ध्यान से रखता हूँ और ये हमारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। सिक्स इंडियन ओशन डायलॉग हुआ था, दिल्ली में हुआ था, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बीच में और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के बीच में। थीम क्या थी इसकी, इंडो पैसिफिक री इमेजिनिंग द इंडियन ओशन थ्रू एन एक्सपेंडेड ज्योग्राफी, ये है इसकी थीम। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आईओआरए क्या होता है, 22 देशों का समूह है ये, और ये है 22 देशों का समूह है ये, इसका हेडक्वार्टर आपका मॉरिशियस में है, इबेन में। 22 देश ये वाले हैं, इंडिया भी देश है, ठीक है। और ये 6 मार्च 1997 को होना था। नेक्स्ट इसमें 53, इसमें ये बताया गया है कि भैया कौन से ऐसे 8 देश हैं जिन्होंने, किस कॉन्टिनेंट के हैं जिन्होंने अपना जो है कॉमन करेंसी को CFA फ्रैंक से नाम इको कर दिया गया था, ये वेस्ट अफ्रीका के हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ए। नेक्स्ट इसमें है, पहला अरब नेशन कौन है जिसको G20 की प्रेसिडेंसी मिलेगी, वो बनेगा सऊदी अरबिया, ठीक है। ये 54 का ए हो गया। सऊदी अरेबिया जो है G20 समिट करेगा, होस्ट करेगा नवंबर 2020 में, ठीक है, सॉरी 21 नवंबर 2020 में। इसकी थीम क्या होगी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके सामने, पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन ये किस, मतलब किस किस कंट्री के बीच में, रशिया और किसके बीच में बनी, चाइना के बीच में बनी, रशिया और चाइना, ठीक है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं किसको किसको इन्वॉल्व कर रही है, रशिया चाइना। 2019 का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 कहां पे हुआ था, मैड्रिड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये बार बार, पीछे वाले घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, देख सकते हैं यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस वाला हुआ था COP21, ठीक है, COP21 पेरिस में हुआ था, और कॉप जो है आपका 25 आपका हुआ है मैड्रिड में, COP24 हुआ था आपका पोलैंड में, ठीक है। ये कॉप का क्या मतलब है, ये किस चीज की 24-25 है, कोई बताएगा कमेंट करके, मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार। नेक्स्ट इसमें आपके सामने आ रहा है 57, किस स्टेट ने अवार्ड जीता है जग्गा मिशन के लिए, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन इसको मिला है, ये वाला स्टेट है आपका 57 का सी, ठीक है, उड़ीसा है। फिर नेक्स्ट है इसमें इंडियन स्टेट की जो फॉरेस्ट, अच्छा फॉरेस्ट रिपोर्ट में बुक काफी दिनों से पेंडिंग है, एक्चुअली मैंने बना रखा है इसको, उसमें काफी दिनों का, उसमें 2-3 चीजें जो है बस मुझे फाइनलाइज करनी है, मैं इसका वीडियो दे दूंगा आज ही, आज कोशिश कर रहा हूँ आज ही कल दे दूंगा। इसके हिसाब से किस किन स्टेट ने इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर में जो है रिपोर्ट दर्ज करी है, 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तीनों ने करी, कर्नाटक में भी बढ़ा है फॉरेस्ट, आंध्र प्रदेश में भी बढ़ा है, केरल में भी बढ़ा है। नेक्स्ट इसमें कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने अभी जल साथी प्रोग्राम लॉन्च किया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने के लिए, 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा है इसका करेक्ट आंसर। 60 में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस मार्च 2020 में, 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडिया है, इंडिया करेगा होस्ट 36। अब ये देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी पीसीएल का क्वेश्चन पूछता है क्या करते हैं वो, अगर कोई इवेंट है तो कौन से नंबर की है ये पूछ देते हैं, या फिर उसको कौन कराएगा, या कहां होनी है, या उसकी थीम क्या है, ये सारी चीजें जो है आप जरूर पूछिए, जिस हिसाब से जो है जरूरत हुई मैंने सारी चीजें यहां पर बताई है आपको। नेक्स्ट इसमें है आपका 61, इसमें बताना है आवर्तनशील ये टर्म आया था ये किस चीज से रिलेटेड है, आवर्तनशील है क्या, ये काहे के न्यूज में आया था, ये आपका जो है किस चीज से रिलेटेड है, 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फार्मिंग से रिलेटेड है ये, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, फार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसका एकदम स्पेसिफिक टर्म अगर आप बात करें तो बी है इसका। ये क्या चीज है ये, मतलब है इसमें क्या है, मतलब भैया ये कॉन्सेप्ट है, ये ए नागराज के ऊपर है, मतलब सिंपल बात ये है कि ये बिल्कुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब इन्होंने बोला है कि सब कुछ जो है हार्मोनियस एग्जिस्टेंस हो सकता है सबका। इसमें ये क्या कह रहे हैं, भैया आपके पास अगर लैंड है तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक। अब ये 3 हिस्से हो गए आपके पास, एक हिस्से में आप क्या करो, एक हिस्से में आप हॉर्टिकल्चर करो, मतलब फ्रूट्स और ट्री उगाओ, इससे क्या होगा जो है पैसे आ जाएंगे लेबर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, लेबर को मेंटेन रखने के लिए, प्लस यहाँ पे जो इसका वेस्ट होगा वो कंपोस्ट बन जाएगा, तो केमिकल फर्टिलाइजर आ गया, पैसा आ गया। दूसरे हिस्से में आप जो है जानवरों को पाल के दूध जो है उगाओ, दूध उगाया नहीं जाता है, माफी करना चाहिए, दूध मतलब जो है निकालो उसका और उसको जितना आप कंजम्पशन कर सकते हो करो, बाकी बेच दो, ठीक है। दूध दूध तो एक ही आदमी उगा सकता है, आप समझ रहे हो कौन रहे हो, बहुत चर्चित है वो आदमी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और तीसरे आप फिर भैया जो है
तीसरे वाले पे आप खेती करो, खेती करोगे तो देखो यहाँ हॉर्टिकल्चर आपने किया है, ये सब फल और उगा के पैसा भी आ गया और वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, तो इसका जो है केमिकल यहाँ यूज कर लो, इससे पैसा आया थोड़ा बहुत इसका यूज कर लो, ठीक है। तो इस तरह से जो है फार्मर जो है राइस पल्स वेजिटेबल फ्रूट स्पाइसेस और इन सबको एक साथ करके अपने आप को मेंटेन रख सकता है। एक तिहाई भाग में आपको फल और लकड़ी की खेती करनी है, एक तिहाई भाग में पशु का पालन करना है, एक तिहाई में एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से ऑर्गेनिक खेती करनी है। तो भैया इसमें जो है आपको पैसे भी मिल जाएंगे, घर भी चलता रहेगा और जमीन की जो है उर्वरा शक्ति भी बची रहेगी। ये सारी चीजें, ये सब फायदे हैं इसके, ठीक है। ये सब जो है बड़ा आवर्तनशील आजकल बड़ी चर्चा में आ रही है, खेती है ये, ध्यान रखिएगा। अभी बताइए, आप एक स्टडी हुई थी सेंट्रल वाटर कमीशन की आपकी 2014 से 18 तक, इसमें ये पाया गया है कि इंडिया की जो मेजर रिवर सिस्टम है वो किन किन मेटल कंटेमिनेंट से जो है यहाँ पे मेटल पेयर से कंटेमिनेटेड है, बताइए इसमें करेक्ट आंसर। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 62 का है बी। 1, 2, 3, 4, 5 जो 6 के 6 मेटल है, आयरन, लेड, निकिल, क्रोमियम, कैडमियम, कॉपर, सारे जो है मेटल ने गंदा कर रखा है इंडिया की सारी रिवर्स को। इसमें बताना है आपको ये कौन सा नाम है, इंडिया का कौन सा नाम है जिसको अभी एक्सोप्लैनेट के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भैया जी और बहनी जी यूज किया था, वो नाम है ए, विभा चौधरी नाम था इनका, साइंटिस्ट थी इनका नाम था, ठीक है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं इंडिया का जो है ये किया गया है, और एक ड्वार्फ स्टार, ठीक है, ड्वार्फ स्टार को जो है आपका ये नाम किया गया है, विभा चौधरी है ये इनके नाम पे, और ये एक विभाग का एक्सोप्लैनेट, इसको क्या नाम दिया गया है, संतामसा, ठीक है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है क्लाउडेड या फिर बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नाम याद रखिएगा बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। सुनो, इसका 5 साल का प्रोग्राम है, नासा का है, ए है इसका करेक्ट आंसर, 64 का ए है, और ये नासा ने अभी जस्ट ये लॉन्च किया है थोड़े दिन पहले ये, इसमें मतलब ये हर बार ये देखना चाहता है कि कितना वाटर कंटेमिनेटेड होता है, हर हर विंटर में जो स्नोफॉल होती है उसकी वजह से कितना वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है, और कितना इनमें से अवेलेबल रहता है कि जो है फिर से मेल्ट करने के लिए स्प्रिंग में। तो ये 5 साल का प्रोग्राम है स्नोएक्स, ये सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में किया जाएगा, फिर दूसरी जगह भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अर्थ सिस्टम का एक्सप्लोरर मिशन है ये। नेक्स्ट इसमें हाइड्रोपोनिक्स किसके लिए जो है, मतलब हाइड्रोपोनिक जो है प्लांट कैसे उगाती है, विदाउट सॉइल होती है, 65 का करेक्ट आंसर है ए। बहुत ज्यादा चर्चित है ये, जापान में बहुत फेमस है। माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी, ये देखिए थोड़ा थोड़ा वैसे टर्म लिए मैंने, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का भी आज पूछ रहे हैं, यूपीपीसीएस यूपीएससी लगभग सेम हो रहा है, उसी की तरह से है ये सवाल, तो ये वाला जो है सीरीज यूपीएससी वाले देख सकते हैं, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी कहां यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। इसमें क्या होता है कि जो स्पेयर पार्ट होते हैं ना उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। इसमें जो है कई सारे माइक्रोस्कोपिक डॉट उस स्पेयर पार्ट पे जो है स्प्रे किए जाते हैं ताकि उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन पैटर्न मिल जाए। आपको इतना सारा जो है यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। माइक्रोडॉट क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड सिंपल बात, इनके स्पेयर पार्ट की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए, भैया ओरिजिनल है कि फर्जी बना के दे दिए, कॉपी करके दे दिए। उसमें क्या होता है डॉट बना के आइडेंटिफिकेशन पैटर्न से चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। टोरेफिकेशन, ये किस चीज की टेक्नोलॉजी है, ये अभी इंडिया का, अगर आप देखेंगे तो इंडिया कई सारे इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन में न्यूज आती रहती है, इंडिया कई सारे एग्रीमेंट करती रहती है, उसी में है। 67 में क्या है, इंडिया ने अभी एक, इंडिया क्या कर रहा है, स्वीडिश टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है टोरेफिकेशन नाम की, ठीक है। ये क्या कर सकती है, जो हर बार पराली जलाते हैं ना उसको कोल में कन्वर्ट कर सकती है, तो इसीलिए ये यूज कर रहा है। तो ये क्या है, स्वीडिश टेक्नोलॉजी है, 67 का ए है, ये सब मैंने यहां लिख दिया है, देख लीजिएगा। इको नेटवर्क क्या है भैया, इको नेटवर्क इन तीनों में से किसी से रिलेटेड नहीं है, इको नेटवर्क अलग अलग ही चीज है। रिसर्च पे भैया यहाँ पे फोकस करेंगे, सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, इको नेटवर्क लॉन्च किया है ताकि क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप को इंडिया में डेवलप किया जाए। नेशनल प्रोग्राम है, किस चीज के लिए है ये, ज्यादा फोकस किस पे किया जाएगा, रिसर्च नॉलेज और अवेयरनेस पे, स्टूडेंट और टीचर को यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ये एक नेशनल नेटवर्क डेवलप करेगा नई जनरेशन के इंडियन के लिए, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनके लिए काम कर सके, ठीक है। तो एक नया टाइप का प्रोग्राम ये इको नेटवर्क है, ये मतलब नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए कुल मिला के ये, ठीक, ये वाली चीजें हैं। जल जीवन मिशन जो था ये आपका, इसमें आप अगर ये बताइए कि कब तक जो है रूरल हाउस होल्ड को एकदम जो है पोर्टेबल वाटर एडिक्वेट क्वांटिटी में
और वो भी क्वालिटी के साथ ही, कब तक मिल जाएगा, कब तक उपलब्ध कराना है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य कब तक है, सच्चे होंगे कब आंसर हो जाएगा, ये 2024 तक कराना है, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना आपका 2024 तक है। कालेश्वर मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट, क्या है यार ये बदतमीज इंसान, सीधा नहीं खड़ा हो सकता है तू। 70 वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालेश्वरम मल्टीपर्पज, ये जो है आपका गोदावरी नदी पे तेलंगाना में बना था 2016 में, ठीक है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भैया, ये केरल का प्रोजेक्ट है, 71 का बी है, केरल में अगर आप देखेंगे ये कुछ जगह से जुड़ा हुआ है, ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एक प्रपोजल है केरला गवर्नमेंट का, ये जितने भी केरल के बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं और टाउन है उनको सबको हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट कर देगा उन्हीं के ट्रैक में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दो जो आपका कॉर्नर है केरल के उसका डिस्टेंस अभी तक मतलब उसमें 12 घंटे लगते थे, उसको घटा के ये कर देगा 4 घंटे, तो ये एक चीज है। और इसको कौन बना रहा है, केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये ज्वाइंट कॉर्पोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और केरल के बीच में। नेक्स्ट इसमें बताना है आपको 72 ट्रांस टू जुमॉक टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, इसका आंसर है 72 का डी, ये इन तीनों में से किसी से रिलेटेड नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर को करने के लिए है, ये बायो सिमिलर एक चीज है, ठीक है। WHO ने लॉन्च किया है बायो सिमिलर मेडिसिन जिसका नाम है ट्रांस टू जुमाब, ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए है ये, ठीक है। तो इसमें अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो इसकी वजह से जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया गया 2015 में। नेक्स्ट इसमें बोर्डो एग्रीमेंट, अभी आपने सुना होगा बहुत हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है, किनके किनके बीच में हुआ है ये बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीनों के बीच में होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और बोर्डो रिप्रेजेंटेटिव, सी है इसका। तीसरा ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, वैश्विक आलू सम्मेलन कहां पे जो है आयोजित किया गया था, 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, गांधीनगर में किया गया था गुजरात में। ये कुछ कुछ बहुत सिंपल से सवाल भी रखे हैं ताकि सब लोग खुश होकर कर सकें, ऐसा ही यूपीएससी और यूपीपीसीएस भी करता है, हमारे सारे क्वेश्चन मतलब अगर हमारी टेस्ट सीरीज में आपके 50-60% नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। इंडिया का पहला ई वेस्ट क्रॉनिक कहां पे ओपन हुआ था, 74-5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भोपाल में ई कचरा क्लिनिक। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, इनमें से इनकरेक्ट बताना है 76 में। इसमें देखिए आपका जो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा 76 का वो है, ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा इसमें, क्योंकि अभी जो है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम ये गुवाहाटी में हुए थे, लेकिन कौन से थे, तीसरे देना पड़ेगा, चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी किसको, महाराष्ट्र को इसमें। तो तीसरा खेलो इंडिया गेम पहली बार तो कहां पे हुआ, असम में हुआ, कौन जीता इसमें चैंपियंस ट्रॉफी किसको मिली, महाराष्ट्र को मिली, पहले रनर हरियाणा, फिर आपके दूसरे रनर जो है दिल्ली बना, इस हिसाब से ही। नेक्स्ट इसमें बताना है आपको, अच्छा इसमें एक बताइए अभी जो है खेलो इंडिया विंटर गेम कहां पे मतलब किस स्टेट में होने जा रहे हैं, पहला एडिशन है ये, मतलब पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम कहां पे होने जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट बताइए, स्टेट का नाम बताइए, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन आए जरूर। डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस कंट्री ने जो है टॉप किया था 2019 वाले में, 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वे ने टॉप किया था, ठीक है। ये है इसका फोटो, इससे देख लो डेमोक्रेटिक जो है इंडेक्स, इसमें जो है इंडिया की पोजीशन पिछली बार से 10 जो है हम पीछे हो गए हैं, ये पिक्चर क्लियर नहीं आई, ऐसी है, इससे बढ़िया नहीं मिल पाई। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है नंबर 1 पे, इंडिया की 51 है रैंकिंग, की स्कोर कितना था 6.9, बांग्लादेश की 80 है, भूटान की 91 है, 92 नेपाल की, पाकिस्तान की 108, अफगानिस्तान की 141, मतलब इनमें से अगर आप साउथ एशिया में देखेंगे तो इंडिया बाकी सबसे बेटर है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स में नंबर 1 जरूर याद रखिए। नॉर्वे नंबर लास्ट पे कौन सा था, नॉर्थ कोरिया, 167 पे नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपका, अभी आपने देखा होगा एक यूनियन टेरिटरी दादा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया, उसकी कैपिटल कौन सी होगी, 78 का करेक्ट आंसर है ए, दमन। नेक्स्ट इसमें आपका गोल, गोल ये डिजिटल इनेबल्ड मेंटरशिप प्रोग्राम किसके लिए है, किसका है ये, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है ये, ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इसमें है आपका, ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर ये तीन न्यूज आ गई, बहुत जो है ये वाले क्वेश्चन जो है बदतमीज चाहिए होते हैं, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है इसमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से आपको बताना है करेक्ट, 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तीनों स्टेटमेंट सही है। इंडिया करप्शन सर्वे 2019, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात नहीं चल रही है, इंडिया करप्शन सर्वे है ये, इसको रिलीज किया था किसने, लोकल सर्विस ने, ठीक है। लोकल सर्विस क्या है, सोशल मीडिया के फॉर्मेट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने मिलकर किया था इसको। इसमें सबसे ज्यादा करप्शन किस स्टेट में बताया गया, राजस्थान, मतलब इसके हिसाब से सबसे ज्यादा करप्ट कौन सा स्टेट है, राजस्थान,
राजस्थान में करीबन 78% लोगों ने माना है कि कोई भी काम कराना हो आपको तो भैया जी पैसा देना पड़ता है तुरंत। क्या ऐसा सही बात है? मतलब बिहार से भी ज्यादा करप्ट है राजस्थान, और यूपी से भी ज्यादा करप्ट है। तो इसके बाद राजस्थान के बाद नंबर 2 पे बिहार है, ठीक है, और केरल सबसे लीस्ट करप्ट है, ये बताना है। 10% लोगों को यहाँ पे जो है प्राइस देनी पड़ती है, ये एक चीज है। 80 का करेक्ट आंसर है ए। 82 में बताना है आपको गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 81 है, सॉरी 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें आपको गलत बताना है स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसको कौन लॉन्च किया है, किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है, और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने किया है। इसमें इसको टॉप किसने किया है, सॉरी इसको तीन ग्रुप में बांटा गया, बिग स्टेट, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट। इसमें टॉप किया है तमिलनाडु, केरल ने किया, ये जगह तमिलनाडु ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस के लिए बिग स्टेट में। और पुडुचेरी जो है वो बेस्ट गवर्नमेंट, बेस्ट गवर्न यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 82 सी ऑफ चाइना, इसमें कौन कौन से सी है, इसमें 82 वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तीनों ही सही, चारों सी है, बुहाई, हुंगाई, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, हमेशा न्यूज में रहता है, इसीलिए क्वेश्चन डालना है, इसको पूछ सकते हैं ज्योग्राफी में ये। नेक्स्ट इसमें बताना है 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल जो है सही है। सबसे पहली बार भारतीय एयरटेल ने वॉइस ओवर वाईफाई, यानी कि वो वाईफाई दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किया था, बिल्कुल सही है। वाईफाई कॉलिंग जो है एक स्मार्टफोन की टेक्निक है जिसमें आप कॉल रिसीव कर सकते हैं या कर सकते हैं, वो वाईफाई नेटवर्क के ऊपर, सेलुलर रेडियो कनेक्शन यहाँ पर नहीं होता है। और बेसिकली ये किन एरिया के ऊपर है, एम करती हुई जहां पे सेलुलर नेटवर्क जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है आपके सामने, ये वखारी वाइट लैंड, ये कहां पे एक्टिव अर्बन कहां पे सिचुएटेड है, अभी न्यूज में था इसलिए ये, ठीक है। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, न्यूजीलैंड में, ठीक है। व्हाइट आइलैंड कहां पे, न्यूजीलैंड में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के हिसाब से इंडिया की एचडीआई वैल्यू क्या थी, ये पूछा है मैंने, रैंक नहीं पूछी। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 0.647 थी। अब देखिए इसमें ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो अलग से पूरा वीडियो दिया गया डिटेल, यूएनडीपी हर बार रिलीज करता है, इंडिया की रैंकिंग इस बार कितनी थी, 129 हो चुकी है 189 कंट्री में से, ठीक है। और एचडीआई वैल्यू कितनी थी, 0.647। इसमें टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने, नॉर्वे नंबर वन पे है, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड है, बुरुंडी जो है सबसे लास्ट में कंट्री है एचडीआई इंडेक्स में। इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। और इंडिया की रैंकिंग 130 थी 2018 में। अगर इंडिया के नेबर की बात करें तो श्रीलंका हमसे बेटर कंडीशन में, 71 पोजीशन पे है। चाइना भी हमसे बेटर है, 85 उसमें है। और इवन जो है आप देखेंगे भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो है ये हमसे लोअर रही है, ठीक है। अगर ये एचडीआई इंडेक्स में देखेंगे हम किससे किससे, मतलब हमसे खराब रैंकिंग श्रीलंका की हमसे अच्छी है, चाइना की अच्छी है। हमारी रैंक क्या थी, 189 कंट्री में से 129, वैल्यू क्या थी, 0.647। अब यार मुंह दर्द लगा है बोले बोले तो जल्दीबाजी में करूंगा मैं थोड़ा सा। नेक्स्ट इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में किन किन कंट्रीज ने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया, ये आपको बताना है। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही कंट्रीज ने हमसे बेटर किया है, डी है इसका आंसर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे, पहली बात तो इस कंट्री, इस रिपोर्ट में कितनी कंट्री को किया गया था, 153 कंट्री को किया गया था। किस चीज के लिए किया गया था, कि भैया जेंडर पैरिटी दे पाए कि नहीं, लैंगिक समानता दे पाए कि नहीं, किन किन डायमेंशन में, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, एजुकेशनल अटेनमेंट में, हेल्थ में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, ठीक है, ये चीज करी गई थी। इसको टॉप किसने किया है, इसको इंडेक्स को, आइसलैंड में जो है जेंडर पैरिटी सबसे बढ़िया है, मतलब वहां पे महिलाएं और पुरुष लगभग बराबर है, उनकी जो वहां पे सिचुएशन है सबसे बेहतरीन है। उसके बाद जो है अगर आप डेवलपिंग कंट्री की बात करेंगे तो चाइना 106 रैंक पे है, बांग्लादेश 50 है, ब्राजील 92 है, नेपाल 101 है, इंडोनेशिया 85, श्रीलंका 102 है। इंडिया की रैंकिंग 112 थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में, ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है यहाँ पे बात याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी बात काम किए वो बता दी मैंने क्वेश्चन के माध्यम से। क्रिकेट फॉर गुड, ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है आईसीसी और यूनिसेफ के बीच में, 87 का भी है। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑक्टोपस, ये काउंटर टेररिज्म फोर्सेस की है, आंध्र प्रदेश की, 88 का ए है। नेक्स्ट है इसमें आपका 89, यहाँ पे दो करंट अफेयर के नाम लिखे हैं, दोनों में से आपको इंटरेस्ट बताना है। 89 का करंट आंसर है सी, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है।
अपहरण जो एक्सरसाइज है वो पोर्ट ऑफ कोची में की गई थी, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने मिलकर की थी, एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज है ये, कुल मिला के साउदर्न नेवल कमांड की। स्टार नाकाम्बे, ठीक है, ये नाम किसको दिया गया, कॉन्स्टेलेशन इरिडेनस को, ठीक है, और ये किसने दिया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने दिया है, बुर्किना फासो जो कि अफ्रीकन कंट्री है उसके सजेशन पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्टार जो है ये अफ्रीकन नेशन में रिवर के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है, तो ये है यहाँ पे इसका ये 90 वाले का आप बताना है कौन से ऐसी दो कंट्री है, कौन से ऐसे दो देश है जिसके साथ भारत वर्तमान में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कर रहा है, जापान और यूएस। ये 2+2 का क्या मतलब है, दो दो कौन कौन लोग होते हैं, कमेंट करके बताएगा कोई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट इसमें बताना है, दो स्टेटमेंट दिए गए 91 में, आपको बताना है इनकरेक्ट वाला, 91 में आपको बताना है इनकरेक्ट और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का डी, दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों भी सही है। पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम कहां पे हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, कब हुआ था, ये दिसंबर 2019 में हुआ था, और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी UNHRC ने, किसके साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर, जरूरी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट ये फैक्ट है, इसमें कुछ हो नहीं है। फिर ये इलीस बांध कहां पे लोकेटेड है, ये बताना है आपको, 92 का करेक्ट आंसर टर्की, चर्चा में आ गया था इसलिए यहां पे पूछा है। फिर ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 किसको मिला है, 93 का करेक्ट आंसर है बेन स्टोक्स ए। बेन स्टोक्स किस फील्ड से रिलेटेड, जल्दी से बताइए कमेंट करके। परिवारा, तलवारा और ये सिद्धि, ये कहां की शेड्यूल ट्राइब्स है, 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक की है ये, ठीक है, ये अभी चर्चा में थी इसलिए पूछा गया है। देखिए जो भी चीजें जैसे चर्चा में होती है ना, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, उन पे आपको थोड़ा देखना चाहिए एक बार। फिर नेक्स्ट इसमें 95 का इनकरेक्ट बता रहा है आपको, दो स्टेटमेंट लिखे 95 का इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट जो है 95 में आपके गलत नहीं है, ठीक है, दोनों सही है, मतलब ये मतलब है इसका कि दोनों सही है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ESI ने अभी कितनी साइट आइडेंटिफाई की है, 138 साइट की है, 138 मॉन्यूमेंट की है, मस्ट सी मॉन्यूमेंट। फिर नेक्स्ट इसमें नाडा जो है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इंडिया की एंटी डोपिंग बॉडी है, इसने सुनील सेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली करेक्टली बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 95 का डी, सॉरी सी। 96 में क्या है आपको, इसमें आपको बताना है दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे दो करेक्ट है, यहाँ फिर से दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके सही है, 96 का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, कि पहली फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट जो है वर्ल्ड की, ये कहां से अभी टुक ऑफ हुई, कब, कनाडा से हुई है, 13वें साउथ एशियन गेम्स। इसके बारे में पहली बात है कि ये कहां पे किए गए थे, नेपाल में किए गए थे, काठमांडू में, कौन से नंबर के थे, 13वें नंबर के थे, किसने जीता, इंडिया ने जीता, ठीक है, इंडिया टॉप पे रहा था, और जो है नंबर टू पे कौन रहा, नेपाल रहा। इंडिया ने कितने मेडल जीते, 312 मेडल जीते, 174 गोल्ड, 93 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज। इसी के साथ पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी इसमें। अब देखा ये क्वेश्चन का जो है बनाने का लेवल बहुत ज्यादा, इसमें जो है शिद्दत लगाई गई है, तब जाके ये बना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें 97 में आपको बताना है इनकरेक्ट, फिर यहाँ पे तीन करेक्ट फिर आपके कवर हो गए, और इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट, 97 का करेक्ट आंसर है डी, कोई भी गलत नहीं, तीनों सही है। जर्मनी की चांसलर अंजेला मर्केल को फोर्ब्स की 2019 एडिशन में 100 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन का अवार्ड 9वीं बार लगातार मिला है, 9वीं बार लगातार, ध्यान रखिएगा। 2019 का टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग। चेन्नई पहली ऐसी सिटी बन गई जहां पे ऑनलाइन बेस्ड एक्सचेंज म्यूनिसिपल सॉलिड एक्सचेंज के लिए जो है यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जहां पे ऑनलाइन बेस्ड एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है, चेन्नई बन गया है ऐसा। 98 IUCN ये जो है रेड डेटा लिस्ट देता है कि मतलब कौन सा एनिमल जो है एक्सटिंक्ट है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, उसमें अभी इसने जो है थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट में कितने लोगों को जोड़ा, कितने स्पीशीज को जोड़ा, 98 का आंसर है 1840 नंबर, याद रखिएगा, पीसीएस में पूछ लेते हैं। ये IUCN की लिस्ट है, 9 तरीके की लिस्ट होती है इसमें, उसमें जो है कुछ होती है जैसे ये नॉट इवेल्यूएटेड है, इसके लिए डेटा नहीं है, लीस्ट कंसर्न है, ये थ्रेटेंड होने वाली है, वल्नरेबल, थ्रेटेंड में कौन कौन सी, तीन है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब एकदम ही जो है खत्म होने वाले हैं ये, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गए, मतलब वाइल्ड जो फॉरेस्ट वहां पर खत्म हो चुके हैं, फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए, ये है इसका कुल मिला के। और इसी के साथ ये है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको राज्य पहचानना है, कौन सा राज्य जहां पे ये सब चीजें हो रही है, क्या होने वाला है, 2023 का मेन हॉकी कप होने वाला है यहाँ पे,
और इसने अभी आउटडोर जिम बनाने का निर्णय लिया है पब्लिक प्लेसेस में। ये है आपका सी, राजस्थान है। ये कहां पे बनाया जाएगा? 2023 का मेन हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा? जयपुर में। और राजस्थान में जो है बोला है कि जितने भी आपके पब्लिक प्लेसेस है वहां पे आउटडोर जिम जो है बनाएंगे, ठीक है। और ये इसी साल लास्ट क्वेश्चन मिशन 41 के रेलवे से रिलेटेड है। इसमें क्या है? इसमें आपका एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के तहत 10 सालों में 41,000 करोड़ रुपए बचाया जाएगा। इसी के साथ भैया जी और बहनी जी सीरीज हुई समाप्त। अब हम क्या करो बाप, 100 में से कितने क्वेश्चन आए ये आप बता दीजिएगा कमेंट करके। मन हो तो बता देना, ना मन हो तो कोई बात नहीं। जयराम जी की, ठीक है। 100 में से कितने क्वेश्चन आए जो कमेंट पूछे थे वो आप बता दीजिएगा। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, आप चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बीओ की टेस्ट सीरीज भी चालू हो चुकी है, यूपी पीसीएस का कंप्लीट पेड ग्रुप भी चल रहा है, बीओ का भी चल रहा है। सिर्फ हमारे दो ऑफिशियल नंबर है अभी तक, एक है आपका 8564880596906608, इनको जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम के लिए ज्यादातर हमारे पास ग्रुप है, चाहे वो प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो, आंसर राइटिंग ग्रुप हो, टेस्ट सीरीज ग्रुप हो, बीपीएससी का ग्रुप हो, ये सारे ग्रुप है। अभी इस समय एमपी पीसीएस का नहीं है, बाकी सारे जो है चल रहे हैं। बीओ का ग्रुप चल रहा है, आरओ 2016 का चल रहा है, कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन होते हैं हमारे ग्रुप। अगर आपने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया उसमें आपको कहीं और से कुछ नहीं पड़ता, सब उसी में मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ एक चीज और आपको बता दूं, ये जो है आप हमारा ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमको स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करते हैं तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके ये बिल्कुल फ्री है और इसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। आप जो है ये studyforcivilservices.me/studyforcivilservices टेलीग्राम में डाल के जाके आप @studyforcivilservices सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।